हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूसी डिपार्टमेंट, उसमें जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसमें जॉब करने के लिए जो इंटरव्यू होते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर क्यूसी डिपार्टमेंट हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो इसका कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जब आप क्यूसी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो आपको क्यूसी ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट मिलता है, तो इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं जॉब्स आफ्टर बी फार्म और एम फार्म कौन कौन से हैं। इसका जो कंप्लीट डिस्कशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें इंडिविजुअली हमने गवर्नमेंट जॉब्स, डीआई, फार्मासिस्ट, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, इन सब का डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं, भाई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन करना है तो क्या क्या चीज चाहिए। तो कोई भी आप जॉब ज्वाइन करते हैं आफ्टर बी फॉर्म या फिर एम फॉर्म, तो आपके पास तीन स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ता है, दूसरा आपका रिटर्न टेस्ट होता है, तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। तो जब हम लोग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एक जो नॉर्मल कंपनी होता है उसमें यूजुअली जो रिटर्न टेस्ट है वो नहीं होता है, बट यदि कोई बहुत अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी है तो हो सकता है वो रिटर्न टेस्ट ले ले। तो हम लोग बात कर लेते हैं अप्लाई करने का। तो अप्लाई तीन के तरीके से करते हैं कि प्लेसमेंट ड्राइव होगा, आपका कॉलेज अच्छा होगा तो आपके कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव होंगे तो उसके थ्रू हो जाएगा, या तो फिर डायरेक्ट आप कंपनी में अप्लाई करोगे, या फिर आपका कोई रेफरेंस है, कोई सीनियर है, फिर टीचर्स हैं, आपका जो सीवी है उसको भेज देते हैं, रिज्यूमे है कंपनी में, तो वहां पर से आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो इसमें मेन चीज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में दो चीजें होती है, एक टेक्निकल राउंड होता है, एक एचआर राउंड होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए जो टेक्निकल राउंड है, मतलब जो फार्मेसी का क्वालिटी कंट्रोल का नॉलेज है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली इसी का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इन सबका डिस्कशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद भी इसमें जा सकते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी के बाद भी इसमें जा सकते हैं। यदि आपने बी फार्म किया हुआ है तो आगे जाकर के जब क्यूसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे तो फर्दर आपको ग्रोथ के लिए उतने चांसेस नहीं मिलेंगे, फिर एक टाइम पे आपको लगेगा कि भाई आपको एम फार्म करना चाहिए। और यदि आप एम फार्म करके जाएंगे तो आपका जो ग्रोथ है वो बेटर होगा, और एम फार्म करके भी जाएंगे तो वहां पर आपको इंस्ट्रूमेंट का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आपको एक यूवी आईआर, आपको एचपीएलसी, जीसी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो भी बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज होने से बेहतर है। और इसमें जो प्रेफरेंस दिया जाता है बेसिकली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से जिनका एम फार्म है, मतलब केमिस्ट्री से जिनका एम फार्म है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, या फिर आपका केमिस्ट्री से एम फार्म भी नहीं है, किसी दूसरे से सुटिक्सकोलॉजी या फिर कॉग्नोसी से भी है, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना आता है अच्छे से, तब भी यहाँ पर आपके जॉब के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन बीएससी है या फिर एमएससी है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह अच्छा है, तो उन लोग को भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ले लिया जाता है। बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या होता है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्री है उसमें तीन मेजर डिपार्टमेंट होता है, मतलब एक तो आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जिसमें जो भी टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, एलिक्सर ये सारे जो बन रहे होते हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस होता है। तो कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना ही इनफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बाई आती है और वो खाना बनाती है, वो खाना अपने हिसाब से बना करके चली जाती है और आप खा लेते हो क्या, उसको टेस्ट नहीं करते हो, चेक नहीं करते हो उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको सही करने के लिए बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो सेम वही चीज़ है, जो मेडिसिन है बन रहा है, टैबलेट या फिर कैप्सूल जो भी बन रहा है, उसका प्रॉपर चेकिंग जरूरी है एज पर द गाइडलाइंस। उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, जैसे कि यूएस एफडीए के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, और अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होते हैं, जीएमपी होता है, सीजीएमपी होता है, इन सबको फॉलो करना पड़ता है। और जब ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो वहां पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी फॉर्मुलेशन बन रहा है, उसकी चेकिंग जरूरी है। तो उसकी चेकिंग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बेसिकली दो डिपार्टमेंट होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जिसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें होता यह है कि टेस्टिंग जितनी भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी सैंपल होता है उसका टेस्टिंग जो होता है, एनालिटिकल वर्क होता है, वो वहां पर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में होता है। अब इसका वर्किंग हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारा फॉर्मुलेशन प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें से सैंपल जाएगा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, और यहां पर उसका चेकिंग होगा। इन लोग चेक करके बताएंगे जो प्रोडक्शन हुआ है एज पर द रिक्वायरमेंट या फिर जो भी फार्माकोपिया में मेंशन गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली हुआ है कि नहीं, उसका जो कंटेंट है प्रॉपर है कि नहीं,
ठीक है। दूसरा ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, एक तरीके से इसको समझ लें कि क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी की एक तरीके से इंटरनल असेसमेंट टीम है जो ये देखती है कि सब काम सही से हो रहा है कि नहीं, मतलब अंदर का कंपनी के अंदर का पुलिस मान के चलो, इसका क्वालिटी एश्योरेंस में कैसे जाना है, उसका जॉब कैसे होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल होता है, मतलब आपका यहां पर चल रहा होगा प्रोसेस, प्रोडक्शन चल रहा होगा, उसी बीच में जो QA डिपार्टमेंट है वो जाकर के उसका सैंपल ले लेगा, सैंपल लेकर के आ जाएगा और उस सैंपल को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को दे देगा, और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ये जो चेक किया हुआ है ये डायरेक्टली जो सैंपल आ रहा है इसको, और यहां से भी जो QA डिपार्टमेंट सैंपल दिया है इसको, मतलब जो सारे तरीके के सैंपल्स होते हैं उनको चेक करके उसका जो रिपोर्ट है वो देता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को। फिर जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता है और वो सारी चीजें देखता है कि सारे काम सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि उसमें कोई मिस्टेक हो रहा है, किसी बैच में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है और उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कापा। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली सही किया जाता है एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज पूरा बैच का बैच खराब हो जाएगा तो आपका प्रोडक्शन का लॉस तो होगा ही होगा, साथ में जो मॉनिटरी लॉस है कंपनी को भी बहुत होगा, तो ये काफी क्रिटिकल होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोग यदि QC डिपार्टमेंट की बात करें तो बेसिकली एनालिटिकल वर्क होता है इसमें। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो QC डिपार्टमेंट है उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन दो तरीके के होंगे, एक तो जनरल क्वेश्चन होंगे जो सारे ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आपके बारे में बताइए, आप कौन से नेटिव प्लेस से हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, आपके कल्चर्स वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं और हो सकता है नहीं भी पूछे। मान लो आप अपने घर से कोई दूर जगह पर जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो भाई इतने दूर आप क्यों आना चाहते हो, आप सर्वाइव कर लोगे, ये सारा चीज़ असेसमेंट करना चाहेंगे। आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में पूछेंगे, आप QC डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, प्रोडक्शन क्यों नहीं जाना चाहते हो, QA डिपार्टमेंट में क्यों नहीं जाना चाहते हो, R&D में क्यों नहीं जाना चाहते हो, ये सारे चीज़ पूछेंगे। उसके बाद फिर अबाउट योर अचीवमेंट्स टिल डेट, आपका अब तक का क्या अचीवमेंट्स है, आपको हॉबीज वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। फिर नेक्स्ट होता है टेक्निकल क्वेश्चंस अबाउट फार्मेसी। तो QC डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर रहे हो तो एक काफ़ी क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है, आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो चीज़ जरूर उन लोग एसेस करेंगे। और ये एसेस कैसे करेंगे, आपको फार्मुलेशंस जो भी होते हैं उसके बारे में पूछेंगे, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछेंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको पूछा जाएगा, आपको प्रैक्टिकली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आता है वो पूछा जाएगा। और यदि आपको QC डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, आपने ये चीज़ सोचा है, तो बी फार्म या फिर एम फार्म के ड्यूरेशन में आपको UV विजिबल, IR, HPLC, GC, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सीखना चाहिए, और एटलीस्ट इनके थ्योरी तो आने ही चाहिए, और आपने एटलीस्ट इनको वर्किंग में देखा हुआ है, UV और IR और HPLC ये सारे तो बी फार्म के लेवल पे देख लेते हैं। तो आप अपने टीचर से हेल्प लेकर के ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जरूर सीख लें, बिकॉज आपको QC डिपार्टमेंट ज्वाइन करना होगा तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट का जो हैंडलिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको पूछा जाएगा जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, GMP, CGMP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ICH गाइडलाइंस, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये सारे चीज़ पता होना चाहिए, ये सारे आपके बी फॉर्म के सिलेबस में ऑलरेडी होते हैं। फिर आपको पूछा जाएगा USFDA के बारे में और WHO के बारे में। USFDA क्या होता है, उसका क्या रोल है किसी इंडस्ट्री में, USFDA के जो गाइडलाइंस है उसको क्यों हमें फॉलो करना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर जो इंडिया की अथॉरिटी है CDSCO, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर पैकेजिंग वगैरह से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, और जो भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है उसके आपने 70% क्वेश्चन के बीच सही से आंसर दे दिए, तो यूजुअली आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है और आप QC डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद फिर उसमें फर्दर ग्रोथ भी कर सकते हो। सो आई होप आपको QC डिपार्टमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पता लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच।